हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड के वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बहुत शानदार गेमिंग पीसी, बहुत बड़े एक आरजीबी पीसी जो कि एमडी की तरफ से। दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले उसकी वो 80,000 रुपए 80,000 का मैंने यहाँ पे सीपी बिल्ड किया है जो कि मैंने बनाया है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों मेरे कस्टमर है मयंक धीर, भोपाल एमपी में रहते हैं, उनके लिए पीसी का बिल्ड किया है। बहुत ही शानदार पीसी आज हमने बिल्ड किया है, व्हाइट कलर का एक बहुत बढ़िया पीसी हमने बनाया है। इस पीसी पे वो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग यहाँ पे करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम पीसी का असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंच मार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है प्रोसेसर सीपी, जो सीपी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एमडी की तरफ से, आने वाला राइजन 5600। एमडी का राइजन 5600 सीपी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि एक बहुत शानदार गेमिंग चैंपियन सीपी यहाँ पे रहता है। एमडी की तरफ से 6 कोर 12 थ्रेड में आता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपी हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 14,000 रुपए 14,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है मदरबोर्ड, तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गीगाबाइट की तरफ से, आने वाला B550M BH3AC DDR4 में वाईफाई और ब्लूटूथ वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि राजन के 5 सीपी से एकदम शानदार यहाँ पे रहता है, बहुत बड़ी तरीके से सीपी को यहाँ पे हैंडल कर लेगा। साथ इसमें रैम के 4 स्लॉट आते हैं, बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, RGB हीटर सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो बहुत ही शानदार एक बजट मदरबोर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है। साथ ही B550 चिपसेट का मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा इस बिल्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 10,000 रुपए 10,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ रैम, तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की एसपीजी की तरफ से, आने वाले D68+1 में 16GB 32GB की, साथ ही RGB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगी, बहुत बड़े तरीके से आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। साथ ही 3200 MHz की रैम हमने इस्तेमाल किया, साथ ही 8+8 के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, तो बहुत ही शानदार स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,500 रुपए 4,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ एसएसडी, तो जो एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है एसपीजी की तरफ से, आने वाली 500 GB की NVMe एसएसडी का इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी। NVMe एसएसडी लगाने से हमारा सिस्टम फास्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया स्पीड आपको मिलती है, चाहे आप गेमिंग करें एडिटिंग करें, जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो एसएसडी का इस्तेमाल जरूर करें, कोशिश करें कि NVMe फॉर्म में यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसएसडी हमने इस्तेमाल किया उसकी 4,000 रुपए 4,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है सीगेट की तरफ से, आने वाली 1 TB हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, साथ ही 7200 RPM की हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जो कि वो शानदार यहाँ पे रहती है, बहुत बड़े परफॉर्मेंस आपको मिलती है, बहुत बढ़िया इसकी कॉपी पेज की स्पीड यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी 3,000 रुपए 3,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है लिक्विड कूलर AI, तो यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीपूल की तरफ से, आने वाला 360mm का ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि वो शानदार रहेगा। इसमें 3 फैन आते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, साथ ही जो पंप रहता है उसमें भी RGB यहाँ पे रहती है। दोस्तों यहाँ पे जो सीपी हमने इस्तेमाल किया उसमें स्टॉक कूलर आता है, आप चाहे तो स्टॉक कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को यहाँ पे लिक्विड कूलर चाहिए था तो हमने डीप कूल का लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल करी जो कि बहुत शानदार यहाँ पर रहेगा, बहुत बढ़िया RGB इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 8,000 रुपए 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है पावर सप्लाई PSU, तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीप कूल की तरफ से, आने वाला 650W का 80+ वाइट में, एक बहुत शानदार बजट पीएसयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से डील कर लेगा और बहुत बड़े तरीके से आपको फोकस यहाँ पे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीएसयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,200 रुपए 4,200 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है कैबिनेट गेमिंग केस, तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से, आने वाला TD500 मेश व्हाइट कलर का, एक बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में से टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें 3 फैन रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, साथ ही इसमें आगे मैच पैनल रहता है और पूरा जो कैबिनेट है व्हाइट कलर का रहता है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे जगमगाता है, जब इसको आप कंप्लीट करते हैं बिल्ड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,500 रुपए 9,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है ग्राफिक्स कार्ड GPU, तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गैलेक्स की तरफ से, आने वाला RTX 3060 12GB का, एक बहुत ही शानदार बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि RTX सीरीज का आता है, यहाँ पे 12GB में आता है, बहुत बड़े तरीके से आपकी गेमिंग एडिटिंग वीडियो एडिटिंग करा देता है, 4K रेंडरिंग यहाँ पे करा देता है, 4K गेमिंग भी आराम से यहाँ पे करा देता है। तो दोस्तों जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी उसे 27,000 रुपए 27,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों अब इसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। Thank you.
Thank you.
इस पीसी को बिल्ड कर लिया, इस पीसी को बना लिया। अगर लुक की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है कि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है व्हाइट कलर के इस्तेमाल किया, साथ ही इसमें तीन फैन है जो कि पूरी तरह से RGB है, साथ ही जो हमने कूलर इस्तेमाल किया है वो भी RGB, तो बहुत ही शानदार इसमें RGB आ रही, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही रेम भी हमने RGB वाली इस्तेमाल की है, तो लुक के मामले में RGB के मामले में बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है। वही कंपाउंड की बात करते हैं, सारे के साथ सारे बहुत बढ़िया बजट कंपाउंड इस्तेमाल करके, हाई एंड कंपाउंड इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार पीसी यहाँ पे बिल्ड करिए, जो कि बहुत शानदार गेमिंग के लिए रहेगा, एडिटिंग के लिए रहेगा। अगर इस पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने इस पे सिनेबेस्ट जैसे करके देखा, जिसके अंदर 240 FPS मिलते हैं, यानी अगर आप इस पे गेमिंग करते हैं तो आपको 240 से ज्यादा FPS मिल जाएंगे। अलग अलग गेम के आपको अलग अलग FPS मिल सकते हैं, यानी इस पे आपको 250 FPS आराम से मिल सकते हैं। वही एडिटिंग की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी किसी भी तरह की रेंडरिंग करा देगा, वीडियो एडिटिंग करा देगा, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं या फिर भी किसी तरह की आप वीडियो बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी वीडियो एडिटिंग और गेमिंग यहाँ पे करा देगा। तो दोस्तों आपका बजट भी अगर 80,000 से 85,000 रुपये, 80,000 से लेकर 85,000 रुपीज़ है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड को आगे पीछे करके बहुत ही शानदार पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो पीसी या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।